together. Hello. तो मैं चाहता हूं कि सत्यपाल जी दो शब्द हमारे लिए कुछ सबसे पहले तो सभी को नमस्ते और मनोज कुमार को बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने मुजफ्फरनगर के बारे में एक ऐसी फिल्म बनानी सोची और हरीश कुमार डायरेक्टर उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाने का प्रयत्न किया तो आपको मालूम चलेगा कितनी अच्छी बनी है और हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सबको मैं बधाई देता हूँ 2013 में जब ये राइट हुआ मैं यही बहुत लोगों को मालूम होगा मैं पुलिस कमिश्नर था यहाँ पर मुझे मालूम नहीं मनोज ने जरूर ये बात रखी होगी 1947 के अंदर जब देश का बंटवारा हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में उस समय भी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर मेरठ के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ था एक बहुत बड़ी बात थी खुद हमारे गांव में हम तो उनको ताऊ बोलते थे ताऊ सुलेमान मुस्लिम कम थे उन्होंने ठानी कि वो पाकिस्तान जाना चाहते मतलब नाम याद है अभी भी इतने साल बाद में मैंने सुना मैं तो 47 में नहीं था बाद में पैदा हुआ तो गांव के लोगों ने पंचायत की कि जब तक हम हैं तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता और ये स्थिति पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी 1947 के बाद में तो इतना अच्छा ये माहौल 2013 में इतना खराब कैसे हो गया ये हम सब लोगों को बड़ा चिंतित करने वाला विषय है और मैंने यहीं से पुलिस वालों को फोन किया सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो मेरे साथ पढ़ने वाला मेरा खुद क्लास फेलो मुझको भी मालूम नहीं था